So hi everyone, welcome to GKSSB tutorial. I'm Jyoti, your English teacher. So आज का lecture जो हम start करने वाले हैं वो है present tense. क्या है? Present tense. But before this, let's have a quick revision of whatever we have done in the previous lecture. तो हमने क्या पढ़ा था? हमने previous class में पढ़ा था कि टेंस है क्या. टेंस क्या होता है? फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन. क्या बताता है? टाइम बताता है किसी भी एक्शन का, किसी भी इवेंट का. और हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो टाइम है वो थ्री ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. और वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं हमारे पास? हमारे पास है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. ठीक है, प्रेजेंट क्या होता है? विच इज नाउ. और पास्ट जो हो चुका है, फ्यूचर जो आने वाला है, वो हमारे क्या होता है? फ्यूचर. फिर आगे भी इनकी क्या है? सब कैटेगरीज हैं. तो ओवरऑल हमारे पास ना 12 कैटेगरीज हैं. कितनी है? 12 कैटेगरीज हैं. तो हम देख लेते हैं हमारे पास पहली कौन सी आ जाती है? सिंपल. सेकंड वन इज कंटिन्यूअस. थर्ड वन इज परफेक्ट. एंड फोर्थ वन इज परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है. और हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन. ठीक है, फर्स्ट पर्सन में हमने क्या पढ़ा था? आई, वी, अस, आवर, ये सारे किस में आ जाते हैं? फर्स्ट पर्सन में आ जाते हैं. अगर हम बात करें सेकंड पर्सन की तो क्या आ जाता है? सेकंड पर्सन में हमारा आ जाता है यू, योर, ये सब हमारे किस में आ जाता है? सेकंड पर्सन में. और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट या फिर कोई नाम हो वो, और दे जो है वो हमारे किस में आ जाता है? थर्ड पर्सन में आ जाता है. ठीक है. और हमने समझा था वर्ब को कि वर्ब क्या होती है? क्रिया होती है. और हमने पढ़ा था कि उसकी दो टाइप्स को, और वो कौन कौन सी दो टाइप्स होती है हमारे पास? वो है हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब को जिसे आप हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं. और दूसरी हमारे पास हमने पढ़ी थी मेन वर्ब. ठीक है, जिसमें हमने फाइव फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ा था. ठीक है. और हमने कहा था कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? ऑक्सिलरी वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब, जिसमें हम क्या कहते हैं, हमारे पास आ जाता है बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, ये सारा हमारे किस में आ जाता है? ये हमारा आ जाता है ऑक्सिलरी वर्ब में. अगर हम बात करें मेन वर्ब की, तो मैंने बताया फाइव फॉर्म्स ऑफ वर्ब आ जाती हैं, जिसमें वी वन, वी टू, वी थ्री, वी फोर एंड वी फाइव. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास आ जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, वेंट, गॉन, गोइंग एंड गोज. ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस को और समझ लेते हैं इसकी पहले टाइप्स को. तो कौन कौन सी टाइप्स हैं इसकी? प्रेजेंट सिंपल. क्या है? प्रेजेंट सिंपल, जिसे हम क्या कह सकते हैं? प्रेजेंट इनडेफिनिट भी कहते हैं. क्या कहते हैं? प्रेजेंट इनडेफिनिट. ठीक है, ये आ गई हमारी फर्स्ट वन, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट सिंपल. और हम क्या कह सकते हैं? प्रेजेंट इनडेफिनिट कह सकते हैं. और दूसरी हमारे पास आ गई प्रेजेंट कंटिन्यूअस. क्या आ गई? प्रेजेंट कंटिन्यूअस. एंड थर्ड वन इज प्रेजेंट परफेक्ट. क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट. ठीक है, उसके बाद फोर्थ वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है, तो कौन कौन सी टाइप आ गई हमारे पास? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इनडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है, ये फोर टाइप्स इसकी आ गई हैं. तो आज हम सबसे पहले करेंगे प्रेजेंट सिंपल को. क्या करेंगे? प्रेजेंट सिंपल को. चलिए समझते हैं प्रेजेंट सिंपल को और इसके यूजेस को. तो इसके यूजेस क्या हैं? यानी कि इसे हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं इस टेंस को? तो सबसे पहले हमारा आ जाता है रेगुलर एक्शंस के लिए. क्या आ जाते हैं? रेगुलर एक्शंस के लिए. जो हम रेगुलर एक्शंस करते हैं उसके लिए भी हम इसी टेंस का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही कॉल्स मी एवरी डे. ही कॉल्स मी एवरी डे. ठीक है, किस किस के लिए यूज होगा? रेगुलर एक्शंस के लिए और
हैबिट्स के लिए, ठीक है, और स्केड्यूल, यूनिवर्सल ट्रूथ, जितने भी आपके यूनिवर्सल ट्रूथ होंगे वो भी उनके लिए भी हम इसी टेंस का यूज करते हैं, एंड न्यूज़पेपर हेडलाइन के लिए, न्यूज़पेपर हेडलाइन, पेपर हेडलाइन के लिए, ठीक है। अब यहां तक आपको समझ आ गया कि कहां कहां पे हम यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम क्या समझेंगे कि सिंपल प्रेजेंट में तीन अलग अलग सेंटेंसेस को हम पढ़ेंगे, वो कौन कौन से होते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, हम इसके रूल्स समझेंगे विद एग्जांपल्स के साथ। ओके लेट्स स्टार्ट। चलिए करते हैं सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस को। तो एफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, एफर्मेटिव, तो एफर्मेटिव का क्या रूल रहता है, एफर्मेटिव का रूल क्या है, हमारा सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, क्या आता है, सब्जेक्ट, देन वी हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि अदर पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है, अदर पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, तो हमारा ऑब्जेक्ट। तो अब पहले समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट हमारा होता है डूअर ऑफ एक्शन, क्या होता है, डूअर ऑफ एक्शन, डूअर ऑफ एक्शन यानी कि जो काम कर रहा है वो क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और जो रिसीव कर रहा है वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या है वो, क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, रिसीवर ऑफ एक्शन, रिसीवर ऑफ एक्शन कौन है, हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हमारे पास क्या रूल आ गया, सब्जेक्ट प्लस वी वन यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं कि एस और एस के कंसेप्ट को। देखो बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज यहीं पे होता है कि कहाँ पे हमने एस और एस लगाना होता है, और अगर लगाते हैं तो एस कब लगाना है, ई एस कब लगाना है। चलिए अब पहले हम वही समझ, देखिए जब भी हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, व्हेन When our subject is third person singular, we affix s or es to the verb, ठीक है। ये आपने अच्छे से समझना है कि जब भी हम s और es को affix करते हैं वो हमेशा हम वर्ब के साथ करते हैं, किसके साथ करते हैं, वर्ब के साथ, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो हम क्या करेंगे, व्हेन आवर सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो कौन कौन से हमने ऑलरेडी करा ना, फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, सेकंड पर्सन में कौन कौन आता है, थर्ड पर्सन में कौन आता है, तो थर्ड पर्सन में हमारे पास क्या आता है, ही, शी, इट, ओके, एनी नेम, ठीक है, जो कि क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा, सिंगुलर। देखो आपने एक चीज बहुत ध्यान से समझनी है कि हमारा कोई भी नेम है वो आता थर्ड पर्सन में है, लेकिन जब भी वो सिंगुलर फॉर्म में होंगे तभी आपने उसको क्या करना है, ऐड करना है एस और एस, अदरवाइज आपने नहीं करना है, ठीक है। तो किस किस के साथ एस और एस लगाया जाएगा, ही, शी, इट, कोई भी नाम जब वो सिंगुलर होगा तब हमने क्या करना है, वर्ब के साथ एस और एस को एफिक्स करना है। इतना समझ में आ गया। अगर आई है तो आई तो हमारा है ही नहीं है ना थर्ड पर्सन, तो आई के साथ तो लगेगा डू, है ना। चलिए कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल आ गई, आई टीच इंग्लिश, ठीक है, आई टीच इंग्लिश, तो हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट पर्सन, तो मैंने नहीं ऐड किया वर्ब के साथ कुछ भी, ठीक है। अब क्या करते हैं, अगर मैंने यहां पे लिखा शी टीचेस इंग्लिश, देखो इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, ईएस ऐड कर दिया, है ना, करा ना ईएस ऐड, तो इसका मतलब जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तभी आपने क्या करना है, एस और ईएस एड करना है, किसके साथ, वर्ब के साथ। इतना समझ में आ गया, तो आगे करते हैं, ठीक है।
चलिए अब हम समझ लेते हैं कि हमें ES को एफिक्स करना कब है। देखिए एफिक्स करेंगे ES को कब, जब हमारा वर्ब जो है वो एंड हो रहा है इन लेटर से। वो कौन कौन से लेटर है? एस एस ओ एक्स जी सी एच एस एच से, ठीक है। कौन कौन से वो लेटर्स हैं? डबल एस ओ एक्स जी सी एच एस एच के साथ, ठीक है। देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स को। फॉर एग्जांपल कैच, कैच का क्या है? देखो लास्ट में आप देख सकते हो सी एच, ठीक है, सी एच, तो क्या आ जाएगा? कैचेस, कैच कैचेस, फिक्स फिक्सेस, ठीक है, देख रहे हैं ना आप, लास्ट में एक्स है। चलिए आगे डू डज, डू डज, पास passes, okay, quiz quizzes, quiz quizzes, ठीक है, this much is clear to you? चलिए मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। जब भी हमारा सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तब आपने क्या करना है? वर्ब के साथ एस और ईएस का यूज करना है, ओके? आपने ध्यान रखना है कोई भी नेम होगा वो थर्ड पर्सन में आता है लेकिन वो सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। और आपने क्या समझना है कि ईएस कब लगेगा? ईएस तब लगेगा जब हमारा वर्ब जो है वो एंड हो रहा है इन लेटर्स से। वो कौन कौन से लेटर्स है? हमारे पास आ गया एस एस ओ एक्स जी सी एच और एस एच, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो हमने एग्जाम्पल की कैच कैचेस, फिक्स फिक्सेस, वी हैव डू डज, पास पासेस, क्विज क्विजेस, ठीक है, तो हमने ये समझा। चलिए अब हम आगे कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो हमारे पास क्या आ गया? आई रीड बुक्स, क्या है? आई रीड बुक्स। सेकेंड माई मदर कुक्स फूड, माई मदर कुक्स फूड। और ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। She drinks tea. तो आप नोटिस कर रहे हैं कि जब भी हमारा फर्स्ट पर्सन आ रहा है तब हम क्या लगा दे रहे हैं? सिंपल हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, लेकिन जब हमारा थर्ड पर्सन आ रहा है तब हम क्या कर रहे हैं? तब हम क्या लगा रहे हैं? वर्ब के साथ एस लगा रहे हैं या फिर ई एस लगा रहे हैं, ठीक है। ही प्लेज क्रिकेट, शी ड्रिंक्स टी, ओके। आपने ये ध्यान रखना है हमारा सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन होगा लेकिन वो सिंगुलर होना चाहिए, ओके, ठीक है, दिस मच इज क्लियर टू यू? चलिए अब हम समझ लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस को। तो नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है? हमारे पास है सब्जेक्ट, ओके, देन इसमें ना हम डू और डस का यूज करते हैं। क्या कहते हैं? डू या फिर डस प्लस क्या आएगा? नॉट, यानी कि उसके बाद, डू और डस के बाद हम क्या करते हैं? नॉट का यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट यानी कि अदर पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट आ जाएगा सबसे पहले, देन हमारे पास डू और डस आएगा, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए एक चीज आपने याद रखनी है, यहाँ पे भी वही कंसेप्ट आ रहा है। हमने क्या पढ़ा था? When our subject is third person singular, we affix s or es to the verb. अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है? हमने क्या करना है? जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सपोज यहाँ पे मैंने लिखा शी, ठीक है, शी, क्या आएगा शी के साथ?
शी के साथ हम डज का यूज करेंगे, डू का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है. ओके, तो इसके साथ क्या आ जाएगा? डज. शी डज. तो क्या करेंगे? शी डज नॉट, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे. शी डज नॉट रीड बुक्स. ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि मैम ने यहाँ पे एस लगा दिया, बट यहाँ पे तो लगाया ही नहीं है क्योंकि वर्ब तो ये है. देखो, जो हमारी सबसे पहले वर्ब आ जाती है सेंटेंस में, उसी के साथ हम एस और यस को ऐड करते हैं. तो सबसे पहले पूरे सेंटेंस में हमारे पास कौन सी वर्ब आ रही है? डू आ रही है, इसलिए हमने इसके साथ क्या कर दिया है? ई एस लगा दिया है. तो शी डज नॉट रीड बुक्स. ओके, शी डज नॉट रीड बुक्स. ओके, दिस मच इज क्लियर टू यू. चलिए एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं. आई डू नॉट कुक फूड. ठीक है, आई डू नॉट कुक फूड. दे डू नॉट प्ले वेल. ठीक है, दे के साथ हमने क्या लगाया? डू, क्योंकि ये क्या है? प्लूरल है. ओके, दिस मच इज क्लियर टू यू. शी डज नॉट रीड बुक्स. I do not cook food. They do not play well. Okay? चलिए आगे करते हैं. चलिए अब हम कर लेते हैं interrogative sentence को. Interrogative. Okay? तो interrogative का rule क्या है? So हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा do or does. क्या use करेंगे? Do या फिर does का यूज करेंगे. उसके बाद हमने क्या लगाना है? सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड इंटरोगेटिव मार्क. ठीक है, हमने क्या लगाना है? डू और डज. फिर हमारा उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, देन वी हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में क्या आ जाएगा? अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट. तो हम क्या कर देंगे? उसके बाद उसको क्लोज कर देंगे अपने इंटरोगेशन मार्क के साथ. ठीक है, अब हम कर लेते हैं इसकी एग्जाम्पल को. तो क्या है इसकी एग्जाम्पल? डज शी रीड बुक्स क्वेश्चन मार्क. डू आई कुक फूड. ठीक है, तो हम इसको क्लोज करेंगे इंटरोगेशन मार्क से. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सबसे पहले हम डू और डज का यूज करेंगे, देन हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो आज हमने प्रेजेंट टेंस में क्या पढ़ा? इसके यूजेस पढ़े कि ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है, और हमने क्या किया? हमने समझा कि इसमें जो एफर्मेटिव है उसमें हम एस और यस का यूज करते हैं, लेकिन वो कौन सी कंडीशन है जब हम यूज करते हैं? तो हमारी आ जाते हैं जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, तभी हम क्या लगाएंगे? वर्ब के साथ एस और यस को एफिक्स करेंगे. ठीक है, और यस कब लगाएंगे? जब हमारा जो है वर्ब जो है वो एंड हो रहा है एस एस ओ एक्स जी सी एच एस एच से एंड हो रहा है, तब आपने क्या करना है? ई एस का यूज करना है. बाकी सबके साथ आप एस का यूज कर सकते हैं. तो चलिए, हमने इस क्लास में सिंपल प्रेजेंट को समझ लिया है, जिसमें हमने किया है उसके यूजेस, उसकी जो सेंटेंसेस हैं वो कौन कौन से हमने सेंटेंसेस किए? एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव. ठीक है, हमने ये करा. अब हम जो नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं वो हमारा रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट. ओके, थैंक यू.